आज दिनांक 20 नवंबर को जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा नर्सेज मेश में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में सभी संवर्ग के कर्मचारी एकत्र हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप बडोला ने बताया, पिछले कई वर्षों से अधिकतर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका GPF अपूर्ण है। अधिकतर कर्मचारियों का DA एरिया भुगतान नहीं किया गया है। कुछ कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति उपरांत भी उनका वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारी जो डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात है, जुलाई माह से वेतन नहीं दिया गया है। जो कर्मचारी जिला चिकित्सालय से स्थानांतरण होकर अन्य जनपदों में गए हैं, उनकी सेवा पुस्तिका अपूर्ण है और संबंधित कर्मचारियों के जनपद में नहीं भेजे गए हैं, जिस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का देय भुगतान कई महीनों के पश्चात नहीं हो पाया है, जिसके कारण कर्मचारी आंदोलन का मूल बना चुका है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री हेमंत चौधरी ने बताया कि कार्यालय में मैं बैठा स्टाफ कर्मचारियों के बारे में रुचि नहीं ले रहा है, जिससे कर्मचारियों का देय भुगतान कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जिला चिकित्सालय की समस्त कर्मचारियों ने बहुत रोष व्याप्त है। बैठक में निर्णय लिया गया, अगर अस्पताल प्रशासन समयबद्ध कर्मचारियों के लंबित कार्य में देय भुगतान नहीं करता है, कर्मचारी बड़े आंदोलन के मूड में है। आज की बैठक में मुख्य रूप से नर्सेज संघ की अध्यक्ष पूनम मेसी, जिला मंत्री प्रतिमा शर्मा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष निश्चल भटनागर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार, मेट्रन मीना कुमारी, सीमा, आशुतोष त्यागी, अमित चौहान, राजवीर सिंह, सपना पाल, स्नेहा ज्योति, शशि बाला, पायल देव सिंह, गुलफाम वसी हैदर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। पिछले 20-20 सालों से कंप्लीट नहीं, न उनकी GPF की किताब कंप्लीट है, न उनकी सर्विस बुक कंप्लीट है। कर्मचारियों को चार पाँच साल से उनका ACP ड्यू है, जो एक प्रत्येक कर्मचारी को मिलता है। चार पाँच साल से उनके ACP नहीं लगाए जा रहे हैं। किसी का ACP 3 साल बाद लगा तो उसका एरियर नहीं दिया जा रहा है, उसकी फाइल पेंडिंग है। कर्मचारियों को अनायास जो कैंपस में नहीं रहते हैं, जिनको आवास नहीं मिल रहे हैं, उनको मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है। हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको 5% का उनका वार्षिक वेतन वृद्धि जो सरकार से मिलती है, वो लंबित उनकी चल रही है। और आश्चर्य का विषय है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनका प्रतिमाह वेतन से 1,000 रुपये अवैध रूप से काटा जा रहा है। पिछले 2.5 सालों से अनेकों बार विभाग को सूचित किया है, कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्यालय कर्मचारी उस पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कर्मचारियों के आवासों की हालत जर्जर है। सरकारी आवासों में सेवानिवृत्त और यहाँ से स्थानांतरित हो गए कर्मचारियों का अवैध कब्जा है, और हमारी स्टाफ नर्सेस सहित जो आवश्यक आकस्मिक सेवाओं में ड्यूटी करते हैं कर्मचारी, वो बाहर रह रहे हैं, उनको यहाँ आवास नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं लंबे समय से पेंडिंग चल रही हैं। तमाम चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पे के फिक्सेशन गलत हुए हैं, उनको नहीं सुधारा जा रहा है। कर्मचारियों की स्थिति यह है कि कर्मचारी कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कभी कहते हैं कि बाबू का स्थानांतरण हो गया, नए बाबू आ गए। कर्मचारियों को उनकी सर्विस बुक का, GPF की किताबों का अवलोकन नहीं कराया जाता है, और जो सेवानिवृत्त होकर कर्मचारी चले गए हैं, उनके दे एक एक दो दो तीन तीन साल से लंबित हैं, उनको भुगतान नहीं किया गया है। और आश्चर्य का विषय है कि अभी सरकार ने विगत स्थानांतरण सत्र में कर्मचारियों के स्थानांतरण किए। जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए हैं, उन्हें 5-5, 6-6 महीने वहाँ ज्वाइन किए हुए हो गए, लेकिन उनकी सर्विस बुक और GPF की किताब आज तक वहाँ ट्रांसफर नहीं की गई, जिससे उनको 6 माह से वहाँ वेतन दूसरे स्थान पर भी दिल्ली में वेतन नहीं मिला। तो इस तरह की समस्याएं बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं लोग, इसलिए मजबूरी में आज ये बैठक, क्योंकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है और कर्मचारी कभी भी नहीं चाहता है कि अनावश्यक आंदोलन के रास्ते पर जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित हों और जनता को उसमें तकलीफ हो। लेकिन अब मजबूरी ये बन गई है कि इतनी सारी समस्याएं लंबित हो रही हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज ये निर्णय लिया है समस्त कर्मचारी संगठनों के सभी कर्मचारियों ने कि अपनी इन समस्याओं का जो आज इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, कि उसका ज्ञापन जो है यहाँ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को, अपर निदेशक को, जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर महोदय को दिया जाएगा और एक समय सीमा उसमें निर्धारित की जाएगी। उस समय सीमा के अंतर्गत यदि वो कार्य नहीं होते हैं, ये हम कल ज्ञापन देंगे उसका बना के, और निश्चित रूप से फिर विभाग के कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होंगे।
हम काम कर रहे हैं, काम करने के बदले जो हमको मानदेय और वेतन दिया जाता है वो सरकार हमको देती है, और उसके बावजूद जो कार्यालय के लोग हैं वो अपना काम न करके संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को महीने की 25 तारीख को 15,000 रुपये तनख्वाह वाला, 7,000 रुपये तनख्वाह वाले को आप 25 महीने की 20-20 25 तारीख को वेतन दे रहे हैं, किस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। तो उस मानवीय संवेदनाएं इन लोगों की खत्म हो चुकी है। ई हॉस्पिटल